बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। सैफ अली खान है मेरा नाम, नाम तो सुना ही होगा। और आज मैं पेश करता हूँ एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? ओके लिसन, आज से मैं इस शो का होस्ट हूँ और मैं अपनी क्लास में बुलाने जा रहा हूँ आज के पहले खिलाड़ी को। वो 42 इयर्स ओल्ड हैं, मुंबई में रहते हैं, एक्टिंग का शौक रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर एसआर खान। I'm fine, thank you, Shahrukh. But excuse me, ये क्या हो रहा है? आप तो अकेले आने वाले थे। मैं अकेले आने वाला था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि तुमने मेरा शो टेक ओवर कर लिया है, तो मैंने करीना को टेक ओवर कर लिया। That's not fair. देखो ये फेयर है, या तो मेरे साथ तुम्हें चॉइस देता हूँ मैं, या तो तुम ये शो रख लो या फिर तुम करीना को रख लो। शाहरुख, that is no choice at all. Actually, कोई choice, that is absolutely no choice. Obviously, I'm going to take the show. Gentlemen, a big round of applause for Saif Ali Khan and Kareena Kapoor. अगर मैं सैफ और करीना की तारीफ में कहूं कि हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के ये सबसे खूबसूरत कपल हैं तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं और मैंने इतने अच्छे एक्टर्स और इतने अच्छे इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कभी नहीं देखे, तो वो भी गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली और करीना यहाँ पर जो दोनों आए हैं, ये दोनों आज ये भी प्रूव करेंगे कि ये पाँचवीं पास से तेज़ हैं। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर देम। मैं पूछना चाहूंगा सैफ, हाउ डू यू फील, इतने दिनों के बाद किसी क्लासरूम के अंदर आए हो तुम, कैसा लग रहा है? आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट। आई थॉट पांचवी पास वुड बी इजी, बट मैं आपको सच बताऊं तो परसों मैं अपनी बेटी सारा के साथ कॉफी पी रहा था, एंड शी वाज वार्निंग मी कि ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे, तो मैंने कहा कि लेट्स डू अ कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो शी आस्क्ड मी वन और टू एंड नाउ आई एम नर्वस। अब तुम नर्वस हो? Yeah. मुझे भी कोई जवाब यहाँ के मालूम नहीं होते, क्योंकि इतने सालों पहले हमने पढ़ाई की होती है। यस yes. हालांकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं क्लास एक से लेकर क्लास पांचवी के सिलेबस की किताबों में से ही हैं। तुम बताओ करीना, तुमने क्या तैयारी की? वेल एक्चुअली किताबें पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है मुझे। वेरी गुड, गुड बिगिनिंग, गुड बिगिनिंग। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिलाई ऑन सैफ। सैफ जो है जो भी कहेगा वो सही, और सैफ को कुछ मालूम नहीं है, तो ये गेम बहुत अच्छी होगी। वी आर इन ट्रबल। ओके, दोनों के दोनों जो ये खेल रहे हैं आज यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए खेल रहे हैं। एक नाज संस्था है दिल्ली के अंदर जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स या उससे जो ग्रस्त लोग हैं उनकी देखभाल करती है। तो जो भी पैसा सैफ यहाँ से जीतेंगे वो उस संस्था में जाएंगे। करीना भी जो खेल रही हैं वो भी चैरिटी के लिए खेल रही हैं, अपनी चैरिटी के बारे में बताएंगी। सेंट एंथनीज ओल्ड एज होम है बांद्रा में। मुझे खराब लगता है कि दैट यू नो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव टू स्टे देयर बिकॉज़ जो बच्चे हैं अनएबल टू सपोर्ट देम थ्रू व्हाटएवर रीजंस। And I don't know, it's all about, like I said, I love my parents a lot, and all of us do. And my parents, jo mere mata pita hai, they're the most important people in my life. So I've got an emotional bond with parents, so I'd like to do anything for the old and the aged, in whatever way. Very good, that's really nice. तो मैं तुम्हें जल्दी से गेम के रूल्स बताता हूँ। ये दोनों चैरिटीज़ में तुम्हारा सारा पैसा जाएगा। गेम के रूल्स बड़े सिंपल से हैं। क्लास एक से लेके क्लास पाँचवीं तक के बीच में तुम्हारे पास सवाल आएंगे या सब्जेक्ट्स आएंगे ऐसे अलग अलग रंगों में। कोई भी क्लास कोई भी ऑर्डर में चूज़ कर सकती हो। पहले सवाल का सही जवाब दोगी तो 10,000 रुपये, दूसरी का 20,000, ऐसे करते करते 10ों का सही जवाब दोगी तो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास या तुम्हारी चैरिटी के लिए इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल, 5 करोड़ रुपये का सवाल। एंड द गुड थिंग इज़ इस गेम में, इस कॉन्टेस्ट में कभी भी तुम छोड़ कर जा सकते हो। लेकिन हमारी क्लासरूम से भागने वाले को हम क्या कहते हैं? भगोड़ा। हाँ, सो प्लीज तुम दोनों भगोड़े मत बनना और बच्चों पे रॉन्ग इंप्रेशन देकर मत जाना। और एक और छोटा सा वादा है, विच इज इन फन एंड गुडनेस। अगर 5 करोड़ रुपए आप दोनों नहीं जीते तो उस वाले कैमरा में, वो उधर वाले में, वो जिस पे लाइट है, उसमें देख कर कहना पड़ेगा कि मैं सैफ अली खान, मैं अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता हूँ और मैं करीना कपूर अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझती हूँ। और एक्चुअली हम जो समझते हैं वो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन हीरो हीरोइन होने के बावजूद हम दोनों पांचवी पास से तेज नहीं हैं। ओके ओके, सो नाउ द स्मार्टेस्ट 5th ग्रेडर्स आर स्टैंडिंग देयर, जो पांचवी पास के बच्चे हैं। पहले बच्चे को चूज करो, पहले सवाल का सही जवाब देने के लिए।
Because she's in my favorite color. Okay, Shreya, because you are in Kareena's favorite color. Mein. And अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो आज सारे के सारे बच्चे करीना और सैफ की तरह ड्रेसअप होकर आए हैं. Okay, so let's find out क्या करीना और सैफ अली खान पांचवी पास से तेज है या नहीं. सब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, 10,000 रुपए के लिए श्रिया से भी पूछ सकते हो. You can ask Shreya also. Mathematics and English, I'm good at. Okay, you're good at. Maths. Good at math. Yeah, she's good at mathematics and English. Okay, so class 4 math. 10,000 रुपए के लिए class 4 maths का सवाल इन्हें दिखाया जाए please. तुम्हारा सवाल है, which whole number cannot be represented in Roman numerals? हिंदी में भी एक बार पढ़ के सुनाता हूँ. सवाल खत्म होने से पहले श्रिया ने जवाब दे दिया है. किस पूर्ण संख्या सैफ, पूर्ण संख्या. Right. Huh? I met him last week. तो मिले थे पूर्ण संख्या से? He's my पान वाला. Okay. पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को रोमन अंक में नहीं लिखा जा सकता. Is zero a whole number? मुझसे पूछ रहे हो? श्रिया. श्रिया भी नहीं बता सकती तुमको. बेबो. बेबो को तो पता ही नहीं है. Is zero a whole number? Okay. See, one can be, two can be, ten can be, anything above 10 can be. जैसे कि ताक झाक ना. I'm saying zero. I'm pretty sure it's zero. तुम्हें लगता है zero? जी. Hero zero कह रहा है. तुम क्या कहती हो? जो hero बोलता है. जो hero बोलता है hero तो मान लेते हैं. तो जो hero बोले, cheating कर रहा है sir. I'm trying to get. She's not even looking at me. हाँ, look at him please. Ask her. डराओ मत मेरे बच्चों को. Zero whole number. Press it. No, I'm a press it. जो press करेगा वही responsible होगा. Zero. Let's get for dinner. Zero whole number है या नहीं is the question तुम पूछ रहे थे. Yes. तो देखते हैं पहले बच्चों ने क्या जवाब दिया. बच्चों ने जवाब दिया है zero, zero, zero. मैंने अभी कहा नहीं है कि जीरो सही है या नहीं. I think I am that. As long as I'm. तुम्हें लगता है कि अगर चार बच्चे भी गलत हैं तो फिर ठीक है, अगर मैं भी गलत हूँ. Much more correct. जी correct. तो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, which includes Saif and Kareena, zero is the right answer. 10,000 rupees. Very good, Saif. Not bad. अच्छा Kareena, मुझे बताओ अगर Saif गलत जवाब देगा तो तुम उसको डांटोगी? जल्दी से अपना सवाल या सब्जेक्ट चूज करो. हिंदी. क्लास 3 हिंदी. क्लास 3 हिंदी. क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट चूज किया है सैफ और करीना ने. लेकिन इससे पहले कि हम इनको सब्जेक्ट का सवाल दिखाएं और देखें कि 20,000 रुपए जीतते हैं या नहीं, हम एक छोटा सा होमवर्क ब्रेक लेंगे. जल्दी से वापस आ जाएं क्योंकि सैफ और करीना यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं. टेक अ ब्रेक. आज का बजा जालियांस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फीचर फिल्म में आमिर खान ने किस स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाया था? आपके ऑप्शंस हैं एक भगत सिंह, दो जवाहरलाल नेहरू, तीन मंगल पांडे. मैं शक्ल से नहीं लगता लेकिन है इंटेलिजेंट बहुत ही. I like this food. I know the answer. पक्का? Yep. I like rajma. No, no. I do. Rajma. I'm pretty sure it's rajma. ये बार-बार क्यों कर रहे हो तुम दोनों? It's rajma. वेलकम बैक. एयरटेल प्रेजेंस, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? यस. एंड सैफ एंड करीना. करीना और सैफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं. पहले सवाल का सही जवाब दिया. तीनों के तीनों चीज इनके बकाया हैं. अब इन्होंने चूज किया है क्लास 3 हिंदी 20,000 रुपए के लिए. लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज. हिंदी में सवाल है, किडनी बीन्स के लिए हिंदी शब्द क्या है?
किडनी बीन्स के लिए हिंदी शब्द क्या है? सिर्फ सैफ जवाब देगा. I know. किडनीज. किडनीज. श्रिया को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया है. बारी तुम्हारी है. I don't need her help or anyone's. I like this food. I know the answer. तुम दोनों को जवाब पक्का मालूम है? You, can she read it out? I write it and she reads it out. इसने लिखा है राजमाता. ओ ये नवाब है ना, इसको सब रजवाड़ों की बातें दिमाग में आती है. राजमाता कौन है? No, it's राजमा. राजमा पक्का? Yep. You sure? Like राजमा but. I like राजमा. No, you don't. I do. नहीं फिक्स कर चुके हो तुम, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश मत करो सर. I do. Unfortunately, ये कॉमन वर्ड है राजमा. मतलब? और इसको अमूमन यूज नहीं किया जाता. मतलब मैंने तुमसे एक्चुअली टेक्निकल वर्ड पूछा था किडनी बीन्स के लिए. राजमा एक कॉमन सा वर्ड है. व्हाट आर यू मेकिंग अप समथिंग? दैट्स व्हाट यू मीन. व्हाट डू यू मीन टेक्निकल? टेक्निकल मतलब मतलब द बायोलॉजिकल थिंग. लाइक जो मेन शब्द है किडनी बीन्स का. ओके राजमा. आई एम प्रीटी श्योर इट्स राजमा. बार बार क्यों कर रहे हो तुम दोनों? इट्स राजमा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ओके इतने कॉन्फिडेंट हो. राजमा इज द राइट आंसर. 20,000 रुपीस. तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है. हाँ. ये एक तुम्हारे लिए टॉप लेकर आई है. मुझे टाइट हो रहा था तो मैंने कहा आपको शायद फिट हो जाए. श्रिया जी, उन्होंने तुम्हें प्रेजेंट दिया है, उनका अब यहाँ पर खेल खत्म हो गया है बिकॉज उन्होंने दो सवालों की तुम्हारी मदद कर दी. थैंक यू सो मच श्रिया. थैंक यू. ओके क्विकली अपना एक और क्लासमेट चूज कर लो. जैसे स्पोर्ट्स टेक हिम एंड आस्क कम. ओके श्री पन्ना ने स्पोर्ट्स कहा है तो बड़ा. ओके अब हम खेल रहे हैं 50,000 रुपए के लिए. जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो और उसका जवाब दो. क्लास फोर स्पोर्ट्स. 50,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. और हिंदी में सैफ सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पर. इनमें से किस खेल में मैच की एक अवधि चक्कर्स में बंटी होती है? ए बॉक्सिंग, बी वॉलीबॉल, सी पोलो. चक्का. आई नो द आंसर. ओके श्री परना को भी लगता है उसे जवाब है. डोंट नीड. In which of the following sports is a match divided into timed periods called chakkas? A boxing, B volleyball, C polo. Family tournament. Family tournament. I know the answer. You say. कैसे मालूम है तुम्हें जवाब? Because मेरे grandfather खेलते थे, great grandfather खेलते थे, और दिल्ली में annually एक family tournament है. हमारी अपनी family का tournament होता है इसमें. बॉक्सिंग करते हैं सारी फैमिली? नहीं. ओके. एंड नॉट वॉलीबॉल आइदर. वॉलीबॉल भी नहीं खेलते. नहीं. द आंसर वुड बी पोलो. पोलो क्या करना चाहोगे? फिक्स. करीना को करने दो प्लीज. प्लीज करीना बहुत गुस्से से करती है. पोलो इज द राइट आंसर. 50,000 रुपीस. वेरी गुड. सेफ इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके नहीं बहुत इंटेलिजेंट. मैं का शक्ल से नहीं लगता लेकिन है इंटेलिजेंट बहुत ही. हमारी फिल्मों का अगला कोई बोल हो सकता है. छका 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 छका. वेरी गुड. छका छका. वेरी गुड. ओके 1,00,000 रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो. एक लाख रुपए के लिए क्लास 5 एनिमल किंगडम सैफीना के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए. हिंदी में पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू कहां का मूल निवासी है? ए एंटार्क्टिका, बी आर्कटिक, सी सेंट्रल अमेरिका. श्री पन्ना को लगता है उसे जवाब मालूम है. द पोलर बेयर इज अ नेटिव ऑफ Which of these regions? A. Antarctica, B. Arctic, and C. Central America. See, it's definitely not Central America. Antarctica is the South Pole. The Arctic region is the North. So my feeling Arctic. Is the Arctic. Arctic. Even I feel that. How about a wink or a nod or some kind of indication? She's
She's taking like, it very seriously. हम train कर चुके हैं हमारी लड़कियों को तुम्हारे against. Well, क्या लग रहा है? My lady says I'll take. I think I'll stick with her. तुम्हारे options तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे पास 3 cheats बकाया हैं 1,00,000 रुपए के लिए. अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो 1,00,000 रुपए आ जाएंगे. अगर गलत हुआ तो तुमको फिर श्री पन्ना पे डिपेंड करना पड़ेगा कि उसका जवाब सही है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा बचाव बाकी है, ताकजांग बाकी है, कॉपी. So I think we should guess Arctic and maybe she'll save us if we're wrong. आपको आंसर मालूम है? तुम्हारा चार्म इस पे वर्क नहीं कर रहा है. I know. My God, the only girl in the world, huh? Yes. क्या करना चाहोगे? I think fix Arctic. Arctic? For sure. Arctic, तुमने fix किया. जल्दबाजी तो नहीं की? I don't know. तुम्हें मालूम था कि ऐसे ही तुमने fix किया सैफ? It has to be between Arctic and Antarctic. Central America तो हो ही नहीं सकता. No way. अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो ये तुम्हें बचा सकती है. तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है. Well done. अच्छा करीना, ये बताओ, करीना एक्चुअली जब पढ़ाई कर रही थी ये लॉयर बनना चाह रही थी, तो तुम अगर वकील बन जाती, ऑफ कोर्स ये प्लीज कोई पर्सनल ना ले, मुझ पे कोई केस ना कर दे, लेकिन अगर मैं जज होता और करीना मुझे बोलती कि जज साहब ये कातिल कातिल नहीं है, मैं तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट टेक दिस पर्सनली. सुपर. बट तुमने जो लॉ की जो पढ़ाई की, कितने साल की? 1 साल की, 1.5 साल की? 1 साल. 1 साल की. एक बार कैमरा में देख के बोलो, कैसे कहते हो जज साहब से कि ये जो मुजरिम है ये मुजरिम नहीं है? कोई एक एक जिरह है कुछ? जज साहब कातिल नहीं है. जज साहब ये कातिल नहीं है. हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा तुम कहो लॉयर जी मैं मान जाऊंगा. ओके, वेरी गुड. We're having a great time here and Saif and Kareena जो है 2,00,000 रुपए के पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. और भी डिस्कस करेंगे कि Kareena जो लॉयर बनना चाह रही थी और Saif क्या क्या बनना चाह रहे थे, इस बारे में हम सब पता करेंगे. लेकिन छोटा सा ब्रेक लें, टिफिन ब्रेक, एंड कम बैक फास्ट बिकॉज दिस शो इज वेरी वेरी एक्साइटिंग. अगर मैंने आपकी मदद की तो Saif को एक लव भरा गाना गाना पड़ेगा. I'll do that, but I don't need you, smarty. There was a boy called Darius on a show called Panch Beat Pass. लेकिन चाहे ये बोल सके ना सके, ये इस वक्त सवालों के जवाब बहुत सही दे रहे हैं. 2,00,000 रुपए के सवाल तक पहुंचने वाले हैं. जल्दी से इनमें से कोई क्लासमेट चुन लो जो तुम्हारे को 2,00,000 रुपए के सवाल के लिए हेल्प कर सके. Jimmy, you. Dharia. The good-looking guy in the glasses. Okay, Dharia, come on. The good-looking guy in glasses. ये कितना नॉटी लगता है ना? What's his name, नॉटी? Dharia. Yeah, yeah. सैफ, हमारे पास शर्मिला जी का एक मैसेज है, तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा. नो. उन्होंने फोन करके हमको तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई हैं. There she is and she's gonna speak to us. सैफ तो पढ़ते तो जरूर थे, मगर ज्यादातर ही वॉज वेरी नॉटी. ही वॉज काफी मस्ती करते थे. जब होमवर्क लेके आते थे वो छुपा लेते थे होमवर्क, और हमें काफी सब तलाश करना पड़ता था इधर उधर, ताकि कहाँ है उनका होमवर्क. क्योंकि कभी मैं पूछती थी जो होमवर्क है क्या, बिल्कुल नहीं है, ही यूज्ड टू से. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और ऑल द बेस्ट. आई थिंक ही नीड ऑल द लक. ओके, दैट्स वेरी स्वीट. जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो और धैर्य, तुम्हारे साथ मौजूद के लिए बेबो और सैफो के लिए क्लास 3 जर्नल नॉलेज का सवाल दिखाया जाए प्लीज. किस सार्क देश की राजधानी के नाम में एक धर्म का नाम आता है? इस्लामाबाद.
I'm asking you, madam. तुमसे पूछ रहा है. Islamabad, what are the religions? There's no place called Christian something. There's no place called Hindustan. Islamabad is in SAARC. Pakistan's in SAARC. Is Islamabad the capital or is Lahore the capital? Pakistan है SAARC में? है ना? तो इस्लाम है ना? Oi. Islamabad. Boss. It's like that, is it? It's going to be like that. Okay. मुझे चाहिए नेशन का नाम. Which SAARC nation has a capital? So the answer would be Pakistan. Religion. Pakistan का capital क्या है? Isn't it Islamabad? Pakistan capital is Islamabad. Eh? Right. I'm going to stick with Islamabad. I think. I must. 2 lakh रुपए के लिए है अगर इस पर आप. Go on, madam. Do it. देश का नाम चाहिए मुझे. Babo. देश का नाम. Pakistan. Okay. Bang. I don't know, तुम्हें पक्का मालूम है पाकिस्तान SAARC nations में आता है कि नहीं आता है? Nah, now we got it. No. We got it. ये तू हर सवाल के लिए ऐसा ही करेगा? No. मुझे दुख होता है फिर बताते हुए कि गलत है. ना कॉन्फिडेंस है ना. Nah, we got it. अच्छा है. We got it. We got it. We got it. Pakistan is not. Not the wrong answer. Pakistan is the right answer. Very good, very good. एकदम तुम्हारी नजरों में सेफ की इज्जत बढ़ गई. थोड़ा प्यार करोगे अच्छी तरह से कि गुरुजी. हाँ गुरुजी. Now we are moving on to the big time part of the game. 5 lakh rupees. पांच लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करो करीना एंड सैफ. You have to tell me, beta. Culture. Culture. Stories. You look like the cultural sort of young chap. Stories, even you know, na? So, yeah. Culture. 5 lakh rupees के लिए करीना एंड सैफ के लिए क्लास 2 कल्चर का सवाल दिखाया जाए, प्लीज. Very good. सही या गलत? ईद उल फितर मुसलमानों के पवित्र उपवास के महीने रमजान की शुरुआत में होता है. ईद उल फितर. नहीं सर, गलत है. बिकॉज धैर्य को लगता है उसे सवाल. No, I don't need the guy. I don't need him because I think you're just being overconfident. No, I'm not being overconfident. See, okay. अगर मैंने आपकी मदद की तो सैफ को करीना के लिए एक लव भरा गाना गाना पड़ेगा. Okay, लव भरा रोमांटिक गाना. लव भरा गाना गाना पड़ेगा. In case. I'm such a bad singer. I don't think it would be a good thing for either the show or my equation with her. But I'll do that. But I don't need you, smarty. Because what I got is that in Ramzan is a period of fasting of 40 days, and at the end of that fast you have a feast. I mean, you don't start a fast with a feast. Right? So at the end, but when you see the moon, like you don't start a fast with a feast. Yeah. Feast. So at the end, which makes the answer false. At the end of Ramzan is Eid. Great. इसकी तो बहुत इज्जत बढ़ गई तुम्हारी आंखों में. अगर ये वाला सही हुआ ना तो ये कंधे में बिठा लेगी एकदम पूरे शो में. चलो क्या करना चाहते हैं? Press that button. Are you complete sure? Conviction. Karina, just hit it and go. Answer? False. But even I think it's false. 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 Okay, सैफ बच्चू, तुम्हारा ये जवाब भी बिल्कुल सही है. 5 lakh rupees. अब धैर्य यहाँ पर नहीं रहेगा, उसने तुम्हारी मदद कर दी है दो सवालों के लिए. थैंक यू धैर्य. He's just joking with you, so don't feel bad. I'll sing a song for you. But he'll sing a song for धैर्य. Come on, सैफ, should I give you a guitar? Yeah, okay. Okay, अभी सैफ धैर्य के लिए और करीना के लिए और मेरे लिए हमारी पूरी पाठशाला के लिए गाना सुनाएंगे. लेकिन वो गाना सुनाएंगे जब आप अपना होमवर्क घर में बैठे हुए करेंगे. तो अपना होमवर्क खत्म कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, होमवर्क ब्रेक के बाद वापस आइए क्योंकि आप सैफ गाना सुनाने वाले हैं 5वीं पास पे. टेक अ ब्रेक. आज का 50 जालियांस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है. इनमें से किस वृक्ष से खुशबू प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 1 चंदन, 2 शीशम, 3 सागौन.
वेलकम बैक एयरटेल प्रेजेंस। क्या पांचवी पास से तेज है? मैंने आपसे वादा किया था कि सैफ पांचवी पास में आज हमको गिटार पर एक गाना सुनाएंगे, तो सैफ प्लीज अपना वादा पूरा करो और हमारी पाठशाला को अपने संगीत से मुग्ध कर दो। There was a boy called Barry on a show called Panchvi Pass. Didn't help me with the answers much, but together we had a blast. I can't think of many words just now, but one thing sure is true. He's a very good looking cute boy, you know, and the floor of the set is blue. Very good. Very nice. Very, very nice. I'm very impressed. Oh. करीना तुम तो इम्प्रेस हो, मैं भी इसकी पोएट्री स्किल से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। दैट इज ट्रू एंड द फ्लोर ऑफ दिस क्लास इज ब्लू। अभी तुम्हारे पास थोड़े से बच्चे बाकी हैं और सिर्फ चार सवाल दूर हो तुम 1 करोड़ रुपए से। अब ध्यान से, तीनों चीट्स बकाया हैं, जल्दी से एक और स्वीट से बच्चे को चूज करो, क्लासमेट को चूज करो जो तुम्हारी मदद करे। अनुभव जी, अनुभव, ओके, कम ऑन अनुभव, फर्स्ट। अब हम 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं, जल्दी से अपना सब्जेक्ट। क्या हुआ? एक मिनट। मैं आज सैफ अली खान का डुप्लीकेट बनाऊं, तो मैं आज उनको एक चीज दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास बहुत टैलेंटेड है, अभी तो इस पाठशाला के बाद मिलना सैफ को, सैफ बताना इसको। इसको बताना, हम ये जो खान टाइप होते हैं बड़े पोसेसिव होते हैं, मुझे मालूम नहीं है, देखना तू। ओके, अभी तुम्हारे पास चार सब्जेक्ट्स बाकी हैं। क्लास 1 सोशल स्टडीज। वेल प्लेड, 10 लाख रुपए के लिए क्लास 1 सोशल स्टडी का सवाल दिखाया जाए। पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? पंडित जवाहरलाल, कुछ आ रहा दिमाग में, ऊंचा ऊंचा बोलो। पंडित नेहरू, फर्स्ट वन, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। 10 लाख रुपए के लिए है। पंडित नेहरू, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अनुभव को लगता है उसे जवाब सही मालूम है। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है सैफ? करीना, तुम दोनों के दिमाग में क्या आ रहा है? प्लीज आज से इंदिरा गांधी। ओके, गेट सब, लुक इट इज। तुम देखना चाहोगे? मतलब दोनों कहोगे कि तुम एक छोटे से बच्चे से कॉपी करना चाहते हो? या हम एक छोटे से बच्चे से कॉपी करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू पीक। तुम सबसे पहले कंटेस्टेंट जो इस बात को एंजॉय कर रहे हो। तुम अच्छा लग रहा है चीटिंग कर रहे हो। सो प्लीज प्रेस इट। मैं तुम्हें सवाल पढ़ के फिर से सुनाता हूँ। पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? अनुभव का जवाब प्लीज बोर्ड पर दिखाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। I think it's Pandit Jawaharlal Nehru. I think he's right. बच्चों, मुझे लग रहा है थोड़े से confused हो रहे हैं सैफ और करीना। एक बार कर देते हैं दम लगा के, आयशा, जोर लगा के, आयशा। अब पावर आएगी तुमको, डिसाइड करो। Okay, I think I'm going with his answer. अनुभव का आंसर। अनुभव के जवाब के साथ जाना चाहोगे? तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा कि हम अनुभव के जवाब के साथ जाना चाहते हैं। Fix it. और होप करना होगा कि ये सही हो। You don't do that. What about अभी तो हम डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन, दिस वाज अ चैरिटी, 10 लाख रुपीज। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन ऑफिस वेगली डाइड वेयर? ताशकंद, इंडो पाक वॉर? ओह जीसस, डज इट, लगता है कहीं पे दिमाग में कुछ आ रहा है? आई एम स्टिकिंग विद हिम। तो तुमने फिक्स कर दिया है, आई एम स्टिकिंग विद हिम। अभी तो फिक्स कर दिया। अब तो तुम स्टिक नहीं भी करना चाहो तो इसका आंसर मानना पड़ेगा। बट तुमने जल्दबाजी क्यों की इतनी? या
मैंने जल्दबाजी कहाँ की, आपने बोला लॉक करो। मैं तो अभी बात ही कर रहा था, अभी मैं घूम रहा था जवाब लेकर, यूं आ रहा था। फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ओह गॉड यार सैफू, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 लाख रुपीज। Your face went red, dude. बताओ, जो साइड डील कुछ करानी है करीना से? आप दोनों एक गाने पर डांस करिए। कौन सा गाना? ओले 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 पे डांस करें, मुझे ओले ओले बड़ा अच्छा लगता है। Yeah, I remember the steps also. You remember that we follow. Why don't Shahrukh and Saif dance for me? Yes, we will dance for only Kareena. Come on, I'll show you the steps. Come on, Saif will teach us and we'll dance. Come on, everyone. सिर्फ 3 questions away from 1 crore rupees. This is fantastic. 2 more cheats left. So go for your question, please, or your category of subject. Class 1 English. Please go for class 1 English. We have no time. Let's go. Class 1 English. Class 1 English for 20 lakh rupees. सवाल दिखाया जाए. सैफीना, तुम्हारा सवाल है, 1 से 10 की गिनती को अंग्रेजी में लिखने पर एकमात्र कौन सा वॉवल नहीं आएगा? Which vowel does not appear when the numbers 1 to 10 are written out in English in words? 1. Hang on one second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nine and ten. A. क्या लग रहा है तुम्हें? A. 20 लाख रुपए के लिए तुमने कहा है A. जी सर. Unless you say ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten तो फिर है. Ten, but I think it's T E N. U is it? Okay, it's A. Nice, good. सैफ, सैफ तुमको दिखा रहा है कि उसको तुमसे जल्दी मालूम था करीना। For 20 lakh rupees, lock it. Fix करना पड़ेगा तुम। और ए, बिल्कुल सही जवाब है, 20 लाख रुपए। Very good. सैफ, तुम बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन तुम अभी तक ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो तुम कह नहीं सके हो एयरटेल प्रेजेंस क्या पांचवी पास है। दिस इज द वन। प्लीज कैमरा में देखकर ये ब्रेक अनाउंस करो कि ये ब्रेक है, और उसके बाद जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं सैफ और करीना के साथ। गॉन, ये ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद प्लीज प्रॉपरली अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद प्लीज जल्दी वापस आइए और करीना और सैफ और शाहरुख के साथ खेलिए एयरटेल प्रेजेंस क्या आप पांचवी पास से तेज हैं। टेक अ ब्रेक। अगर इसका जवाब सही हुआ तो इसकी इज्जत आंखों में कितनी बढ़ जाएगी। Oh God, look at my face. My God, Seth. और अगर गलत हुआ तो इज्जत कुछ गिरेगी। क्या करोगी अगर इसका जवाब गलत हुआ? मार, एक और मारो, एक और। एयरटेल प्रेजेंस क्या आप पांचवी पास से तेज हैं, मेरे साथ सैफ और करीना नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों का सही जवाब भी दे रहे हैं। दोनों 20 लाख रुपए जीत चुके हैं, सिर्फ 2 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और मैं उनसे एक सवाल पूछने वाला हूं अब कि ये मुझे बताओ कि तुम दोनों की जो दोस्ती हुई है, जो फ्रेंडशिप हुई है, जो तुम्हारा रोमांस है, प्यार है, रिलेशनशिप है, जिस नाम से भी बोले, हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी? मुझे याद है एक्चुअली पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था, मैं फिल्मिस्तान स्टूडियोज में शूटिंग कर रहा था, तो एक छोटी लड़की बैठी थी मेकअप रूम के बाहर दीवार पे, अकेली बैठी थी ऐसे और देख रही थी मेरी तरफ, शायद मेरी तरफ नहीं लेकिन मुझे लगा कि मेरी तरफ देख रही है। तुम्हें तो लगता है लड़की तुम्हारी तरफ देख रही है। तो मैंने पूछा किसी से कि ये कौन है,
तो उन्होंने कहा कि ये करीना कपूर है, करिश्मा कपूर की छोटी बहन. तो मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत है और मेरे ख्याल से तब से वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. और बहुत बार मिले हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई. और जब एक फिल्म भी की थी साथ में LOC, उसमें भी ज़्यादा बात नहीं हुई. ओमकारा में तो बिल्कुल बात नहीं हुई. और टशन के दौरान, शूटिंग के दौरान मिले, फिर थोड़ी बात हुई और धीरे धीरे दोस्ती हो गई. वेरी गुड. और करीना, जब तुम वो दीवार से देख रही थी, तुम सेफ को ही देख रही थी, ये बता दो आज. मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल याद ही नहीं है. तो याद नहीं है? बिल्कुल नहीं. Like when she's alone with me, she says she saw me and she was marking her territory and all. Oh, जब ये अकेले में होती हैं, बताती हैं कि तुम मार्क कर रही थी वहाँ पे ऐसे दीवार के ऊपर. यही मुंडा चाहिदा है, यही मुंडा चाहिदा है. मैंने और कहीं यही मुंडा चाहिए है. चलो कोई बात नहीं. बट इट्स रियली स्वीट टू सी यू टुगेदर. और मैं पर्सनली इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि मेरे ये बहुत दोस्त हैं और मैं इनके प्यार के लिए, इनके रिश्ते के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ. एंड यू ऑलवेज बी हैप्पी. एंड ऑफकोर्स तुम्हारी चैरिटी इस वक्त बहुत खुश होगी क्योंकि तुम 20 लाख रुपये जीत चुके हो. और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनसे तुमने ज़्यादा काम नहीं कराया. तुम्हारी अभी भी 2 चीटिंग्स बाकी हैं और आखिर रह चुके हैं अब मिलनजीत. मिलनजीत आ जा, जल्दी से आ जा. ए हुई मुंडा चाहिदा है सानू भी, पीछे आ जा. मिलनजीत तुम्हारी मदद करेंगे अगली. चंडीगढ़ से है मिलनजीत एक्चुअली और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है. और मिलनजीत तुम्हारी कोई फरमाइश या ख्वाहिश हो अगर बोलना चाहो. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਚਲੋ ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ. ਇਹ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਲਨਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ. ਇਹ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੋ ਅਹੈਡ. Give me little bit. Give me little bit मतलब क्या है? Thank you. सैफ और मैं खा खा के मोटे हो जाएंगे. But that's okay. जल्दी से हम जाते हैं 50 लाख रुपए की तरफ. जल्दी से अपना सवाल चूज करो. Class 5 science, class 2 stories. बोलिए. करीना और सैफ के लिए Class 2 स्टोरीज का सवाल प्लीज दिखाया जाए हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट के ऊपर. 1937 में वॉल्ट डिज्नी ने किस परियों की कहानी को पहली फुल लेंथ एनिमेटेड म्यूजिकल में बदला था? Either Snow White and the Seven Dwarfs or Sleeping Beauty. In 1937. Yeah, Walt Disney was Cinderella. सिंड्रेला. तुम्हें लगता है सिंड्रेला है? पाजी, पाजी कुछ लिखे जा रहे हैं. राइटिंग समथिंग वेरी लंबा लंबा जा लिखे जा रहे हैं. राइटिंग द फेरी टेल. पूरी फेरी टेल लिख दी होगा. पाजी ने काफी सोचा है मगर 50 लाख का सवाल हैगा. तुहानू की लगदा हैगा? सिंड्रेला. I think it's Cinderella. 50 लाख रुपीस के लिए सोच समझ कर. I have a feeling we should guess Cinderella. And he should bachao us if we're wrong. Strategy कर रहा. Could be, but करीना, करीना क्या बोल रहे हो तुम? शायद Snow White. तुम दोनों के बीच में फिर वही झगड़ा हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी. Snow White and Cinderella. Yeah. Cinderella's also musical. Oh, I'm alone in the tower. Yeah, yeah. Full on musical. तुम दोनों romance कर रहे हो या discuss कर रहे हो? I've given my answer, now I'm just looking. Okay, ठीक. सैफ प्यार कर रहा. क्या करना चाह रही हूँ? Cinderella. Was looking for you, I don't know. I think he didn't say Cinderella. Cinderella कहना चाहते हैं? It could be Snow White and Seven Dwarfs. Could be. I have a feeling it's Cinderella. Strong feeling actually. Then you hit it. I'm not hitting. Yeah. Sam always. Got it, guys. Tell me little twice. Okay, मैं तुम्हें बताता हूं कि बच्चों ने क्या जवाब लिखा है. बच्चों का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए. श्रिया ने लिखा है सिंड्रेला.
धैर्य ने लिखा है सिंड्रेला, श्री फन्ना ने लिखा है सिंड्रेला, अनुभव ने लिखा है सिंड्रेला, और करीना बहुत खुश है, सैफ भी बहुत खुश है क्योंकि उसने भी बोला है सिंड्रेला 50 लाख रुपए के लिए। अगर इसका जवाब सही हुआ तो इसकी इज्जत आंखों में कितनी बढ़ जाएगी। ओह गॉड, आई मीन लुक एट माय फेस, माय गॉड सैफ। और अगर गलत हुआ तो इज्जत कुछ गिरेगी, क्या करोगी अगर इसका जवाब गलत हुआ तो? एक बचाव है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें पहले सही जवाब बता देता हूं। सही जवाब है स्नो वाइट। पूछा बोलो। स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, यस सही जवाब ये है। मार एक और, मारो एक और। बचाओ यार। जल्दी से दिखाते हैं कि मिलन जीत ने क्या जवाब लिखा। मिलनजीत का जवाब बोर्ड पे प्लीज दिखाया जाए। सही जवाब है स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, 50 लाख रुपए के लिए अगर उसने यही लिखा है। एंड यस, स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। आई गॉट दिस आंसर। नो, यू सेड स्लीपिंग ब्यूटी। या बट आई आल्सो सेड स्नो व्हाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स फर्स्ट। अब लड्डू तो आप लोगों ने खा लिया मिलनजीत के हाथ के। अब मुझे बताओ करीना, एही मुंडा चाहिदा है, एही मुंडा चाहिदा है? डेफिनेटली एही मुंडा चाहिदा है, सा मिली चाहिदा है बस। वी आर ऑल अमेजिंगली हैप्पी। सेफ, यू रियली प्लेड वेरी वेल। थैंक यू सर। करीना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। और हम बहुत कोशिश कर रहे थे मिलनजीत, यू वांट टू सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सो मच मिलनजीत, तुमने 50 लाख रुपए चैरिटी के लिए कमाए। तुम यहाँ पर आए, पांचवी पास की तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्टार प्लस की तरफ से तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। एंड तुम दोनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है, LCD TV। और मेरी एक डील भी थी तुम्हारे साथ एंड के अंदर कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तुम्हें उस कैमरा में दोनों को देख के बोलना पड़ेगा कि मैं सैफ अली खान बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं करीना कपूर बहुत बड़ी हीरोइन हूँ, इंडिया के हम टॉप स्टार्स हैं, लेकिन आज हमें मालूम पड़ गया है हम पांचवी पास के सामने एकदम फ्लॉप हैं। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, दैट्स वेरी स्वीट, कम ऑन, गो फॉर इट। मैं सैफ अली खान हूँ और इंडिया का बहुत बड़ा हीरो हूँ। मैं करीना कपूर, इंडिया की बहुत बड़ी हीरोइन हूँ। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग कि मैं पांचवी पास से तेज नहीं हूँ। मैं भी पांचवी पास से तेज बिल्कुल नहीं। Yeah, that's very very scoring. God bless you both. हम यहाँ पर बोलेंगे कि हम तीनों को यहाँ पर पाठशाला में आकर बहुत मजा आया। बोलो, हम दोनों को यहाँ पर आके पाठशाला में बहुत मजा आया। हम दोनों को यहाँ पाठशाला में आकर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हम इस पाठशाला से जा रहे हैं, हम इस पाठशाला से जा रहे हैं, लेकिन ये पाठशाला आती रहेगी, लेकिन ये पाठशाला आती रहेगी। आप भी इस पाठशाला में आते रहिए, आप भी इस पाठशाला में आते रहिए, और पता कीजिए और बताइए दुनिया को, और पता कीजिए और बताइए दुनिया को कि क्या आप पांचवी पास से तेज हैं या नहीं, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं या नहीं। एंड टू एवरीबडी अलविदा एंड खुदा हाफिज। एंड टू एवरीबडी अलविदा एंड खुदा हाफिज। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। आप भी सीख सकते हैं टाटा स्काई के साथ साल के 18,000 सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लर्निंग पर। मेरा उद्देश्य अभी तक जिंदगी का यही बन चुका है कि मैं बादशाह खान के साथ डॉल्फिन को देखने आग मारते हुए जरूर जाऊंगा। ये मेरी जिद है आज। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं समुंदर में बिना कपड़ों के नहाता हूं, तो आपको मेरे साथ वैसे ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार हूं साहब।